हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AK त्रिपाठी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो मैं क्लास 12 की NCERT की बुक से चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से बना रहा हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है। तो दोस्तों, आपने इससे पहले की कक्षाओं में आपने कभी ना कभी त्रिकोणमितीय फलन नाम सुना होगा। अब ये त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? तो दोस्तों, त्रिकोणमितीय फलन जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, तो उन्हीं के प्रतिलोम को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। इन्हें लिखा कैसे जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। अब दोस्त लेकिन दोस्तों आप लोग ये याद रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स 1/ साइन एक्स नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों ये साइन एक्स होता है ये त्रिकोणमितीय मान होता है, जबकि साइन इनवर्स एक्स एक कोण को प्रदर्शित करता है। याद रखने की हम लोग को ज़रूरत है कि साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर जीरो नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का परिसर क्या होता है, और दोस्तों मैं आपको परिसर याद करने की ट्रिक भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परिसर क्या होता है। दोस्तों, कोई इंसान जिस दिन पैदा होता है और जिस दिन वो उसकी डेथ होती है, उसके बीच में जो उसने जीवन जिया उसको जीवन कहते हैं। उसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का भी एक परिसर होता है, जिनके बीच में वे हमेशा रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लिए हैं, अब हम लोग उनके परिसर देखेंगे। दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स का परिसर होता है -π/2 से π/2 तक। वैसे ही दोस्तों, कॉस इनवर्स एक्स का परिसर होता है 0 से पाई, और टेन इनवर्स एक्स का परिसर होता है -π/2 से π/2 तक। अब दोस्तों, हम लोग आगे के त्रिकोणमितीय फलन के परिसर को जानेंगे। दोस्तों, कॉट इनवर्स एक्स का परिसर 0 से पाई होता है, और सेक इनवर्स एक्स का परिसर दोस्तों 0 से पाई -π/2 होता है। इसी तरह दोस्तों, कॉसेक इनवर्स एक्स का परिसर हमारा -π/2 से π/2 -0 होता है। अब दोस्तों, आप लोग कहेंगे ये सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के परिसर तो कुछ एक ही जैसे लग रहे हैं, तो हम इनको याद कैसे करेंगे? घबराइए मत दोस्तों, मैं आपको इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप इन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इनमें से आधे से ज़्यादा त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर एक समान हैं, इसीलिए आप इनको एक ट्रिक से याद कर सकते। तो दोस्तों, ट्रिक क्या है? काटो सेब आधा आधा, किसी को पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि आधे सेब सड़े निकले। क्या है दोस्तों ट्रिक? काटो सेब आधा आधा, किसी को पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि आधे सेब सड़े निकले। अब दोस्तों, आपको कैसे याद करना है? दोस्तों, आपको याद रखना है कि काटो से का से हम लोग कौसे को प्रदर्शित कर रहे हैं, और टो से हम लोग टैन को प्रदर्शित कर रहे हैं, और सेब के साक से हम लोग साइन को प्रदर्शित कर रहे हैं। वैसे ही दोस्तों, किसी को पूरा नहीं मिलेगा में से किसी को हम लोग ये जो का है इसको हम लोग कॉट से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों,
क्योंकि आधे सेब सड़े निकले। तो इसका जो सड़े शब्द है सा, इसको हम लोग सेक से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये तो प्रदर्शित हो गए, अब हमें याद कैसे करना है। दोस्तों देखिए, लिखा है काटो सेब आधा आधा, यानी कि दोस्तों कि इन कॉसेक टैन और साइन का जो मान होगा वो होगा हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब किसी को पूरा नहीं मिलेगा। दोस्तों याद रखिएगा कि पूरे सेब जीरो और पाई से प्रदर्शित किए जा रहे हैं, तो कॉट को हम लोग जीरो और पाई से रिलेट करेंगे। अब क्योंकि आधे सेब सड़े निकले, अब देखिए दोस्तों पूरे सेब हमारे कितने थे, पूरे सेब हमारे थे जीरो और पाई, जिसमें से आधे सेब सड़ निकल गए, यानी आधे का मतलब पाई बाई टू, तो पूरे सेब माइनस आधे सेब सड़े निकल गए। इस तरह दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो वैसे भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड आपको करा दूंगा। अब दोस्तों आपको याद रखना होगा कि जब कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अंदर कोष्ठक में माइनस लगा हो तब क्या करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा हो, या फिर कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा हो, तब दोस्तों हम लोग को क्या करना है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर ये साइन कॉसेक और टैन लिखा हुआ है, अब दोस्तों जब साइन इनवर्स एक्स के अंदर माइनस आ रहा हो तब हम लोग माइनस को बाहर कर देंगे, ऐसे साइन इनवर्स एक्स। वैसे यहाँ पर भी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, वैसे यहाँ पर भी माइनस टैन इनवर्स एक्स। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर सेक कॉस और कॉट है, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस तो बाहर आएगा लेकिन पाई के साथ, जैसे यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें पता चल गया कि कहाँ माइनस लगेगा और कहाँ पाई माइनस एक्स। तो दोस्तों याद रखने की इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी दोस्तों याद रखने की ट्रिक ये है, जी दोस्तों सुमन केक काटो। क्या हुआ दोस्तों, सुमन केक काटो। अब देखिए दोस्तों कैसे इसको याद करना है। देखिए दोस्तों ये सुमन का जो सा है इससे हम लोग से को प्रदर्शित करेंगे, केक का जो का है इसको हम लोग कॉस से प्रदर्शित करेंगे, और ये जो काटो है इसको हम लोग कॉट से प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों अब आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी कि जब कभी सेक कॉस और कॉट आए तब हम लोग को पाई माइनस ये कर देना है। अब दोस्तों हम लोग धीरे से प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपने बेसिक्स और फार्मूले जान लिया है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग एक उदाहरण समझेंगे, फिर हम लोग प्रश्नावली की ओर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू का मुख्य मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों इसका हल क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू को हम लोग एक्स मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये जब बराबर के उस साइड जाएगा तो ये हमारा नॉर्मली साइन एक्स हो जाएगा। कैसे, साइन एक्स बराबर माइनस रूट थ्री बाई टू। यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि रूट थ्री बाई टू ये साइन का कौन सा मान होता है। जैसे यहाँ पर ये माइनस रूट थ्री बाई टू ये हमारा साइन साठ का मान है। किसका मान दोस्तों, ये हमारा साइन साठ का मान है।
और ये 12 माइनस लग जाएगा। अब दोस्तों आप लोग ये जानते होंगे कि हम लोग 60 को पाई बाई 3 से भी प्रदर्शित करते हैं। कैसे? माइनस साइन पाई बाई 3। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये पाई बाई 3 से कैसे हम लोगों ने इसे डिनोट कर दिया। तो देखिए दोस्तों, 180 को हम लोग पाई से व्यक्त करते हैं, उसी तरह दोस्तों ये जो 60 है ये 180 बटे 3 होता है। तो हम लोग दोस्तों इसको पाई बाई 3 से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये साइन और ये साइन हमारा कट जाएगा, इस तरह हमारा आंसर x बराबर माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। दोस्तों आंसर आने के बाद आपको चेक कर लेना है कि जो हमारा आंसर आया है ये हमारा साइन के परिसर के अंदर है या नहीं। तो दोस्तों चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। दोस्तों आपने ट्रिक के माध्यम से अभी सीखा है कि साइन इनवर्स x का परिसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, और दोस्तों आया कितना है, माइनस पाई बाई 3, यानी कि ये इसके बीच में है, अतः ये जो आंसर आया है ये हमारा सही है। तो दोस्तों अब हम लोग प्रश्नावली के पहले सवाल में आ गए हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान निकालना है। तो दोस्तों कैसे, मैंने आपको बताया है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसको मान लेंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 बराबर एक्स, या हम लोग कह सकते हैं साइन एक्स बराबर माइनस 1/2। अब दोस्तों 1/2 हमारा साइन के पद में मान 30 अंश का है, यानी साइन 30 बराबर 1/2 होता है, यानी माइनस साइन 30 अंश। अब दोस्तों ये जो 30 अंश है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 6 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा और ये एक्स बराबर माइनस पाई बाई 6 इसका आंसर आ जाएगा। अब फिर से दोस्तों हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर परिसर के अंदर है या नहीं है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का परिसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे ये तो पाई बाई 6 है और यहाँ पर पाई बाई 2 है तो ये तो ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि बटे में जितना ज़्यादा मान होता है वो संख्या उतनी ही कम होती है। जैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, दोस्तों जैसे कि यहाँ पर 10/5 है और यहाँ दूसरी तरफ 10/2 है, तो दोस्तों इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? तो दोस्तों जब आप इसका भाग देंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा, इसका मतलब देखने में आपको ये संख्या बड़ी लग रही थी लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये संख्या हमारी बड़ी है। इस तरह दोस्तों नीचे जितना बड़ी संख्या होगी उसका मान उतना ही कम होगा। तो दोस्तों अब हम लोग इस प्रश्नावली के दूसरे सवाल में आ गए हैं। दूसरा सवाल दोस्तों क्या है, कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग माना कॉस इनवर्स √3/2 बराबर y मान लेते हैं। अब दोस्तों इस ये कॉस उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस y बराबर √3/2, और दोस्तों √3/2 हमारा कॉस के पद में मान कॉस 30 अंश का होता है। क्या होता है दोस्तों, कॉस 30 अंश। अब कॉस 30 को दोस्तों हमने आपको पीछे बताया है कि पाई बाई 6 से प्रदर्शित कर सकते हैं, वैसे ही दोस्तों कॉस वाई बराबर कॉस पाई बाई 6। तो दोस्तों यहां पर कॉस और कॉस कट जाएगा तो हमारा आंसर वाई बराबर पाई बाई 6 आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये परिसर के अंदर आ रहा है। तो दोस्तों कॉस इनवर्स का परिसर होता है 0 से पाई के मध्य। अब दोस्तों
यहाँ 0 से पाई के मध्य आप इसको रफ में करके देख सकते हैं, ये इसके बीच में ही आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इस प्रश्नावली के आगे के सवाल मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों अगर आपको साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक के मान याद ना हो, जैसे साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, कॉट 60 कितना होता है, ना याद हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम अगला वीडियो इस पर बना देंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए।